हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए लाजवाब पिज़्ज़ा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 कप दही। सबको 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1/2 कप दही, इसको मिक्स डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। उसमें पानी मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा इसका बहुत सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जितना सॉफ्ट डो होगा उतने पिज़्ज़ा मेरा अच्छा बनेगा, फूलेगा आटा अच्छा से। डो तैयार हो गया, अब इसमें थोड़ा सा रिफाइन लगाकर और इसको ढककर रिफाइन थोड़ा सा मिलाते हुए अच्छा से रिफाइन थोड़ा सा और मिला देंगे और इसको ढक कर रखेंगे। इसको दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर दिए। इसको अच्छा से ढककर, ताकि इसके अंदर हवा नहीं जाए, बहुत अच्छा से ढककर इसको 2 घंटा के लिए मैंने रख दिया है। दो घंटा हो गया मेरा, देखिए आटा कितना सॉफ्ट हो गया है, अच्छा से सेट हो गया है। इसमें थोड़ा सा और रिफाइन लगाकर इसको मिलाएंगे अच्छे से। इसको अच्छा से मिला लेना है, मसल मसल कर इसको 2 भाग में कर देंगे। एक भाग को बेलेंगे, अपने हिसाब से साइज रखेंगे, बहुत पतला नहीं रहना चाहिए ना बहुत मोटा। बेल लिए, अब इसमें रिफाइन फिर मिलाएंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच रिफाइन लगा कर इसको मिला लेंगे, चारों तरफ से फैला देंगे। फोर्क के मदद से इसका बीच में निशान लगाएंगे, चारों तरफ से निशान लगाएंगे इसका, ताकि फूले नहीं मेरा पिज़्ज़ा।
अब एक जिस प्लेट में पिज़्ज़ा बनाना है मैंने इसको कढ़ाई में बनाया है, जिसके पास ओवन नहीं है तो कढ़ाई में बना सकता है। और इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे 2 चम्मच, 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, इसको चारों तरफ से अच्छे से फैलाएंगे। इसको चीज से सजाएंगे, चारों तरफ चीज से सजा देंगे। अब उसके सब्जी से सजाएंगे, आपके जो मनपसंद सब्जी हो उसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें ऑनियन डाला है, अब शिमला मिर्च डाले, उसके बाद से टमाटर डाले, चारों तरफ से सबसे सजा देंगे इसको। फिर अब इसमें नमक डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, भुना हुआ जीरा डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर डालने के बाद फिर इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, चिली फ्लेक्स उसके पास से डालेंगे, फिर चीज से थोड़ा और सजाएंगे। कढ़ाई मैंने लिया है, इसको हाई फ्लेम में 10 मिनट के लिए गर्म कर दिया है, 1.5 कप नमक डालकर। जब गर्म हो गया बहुत तब इसमें पिज़्ज़ा को सेट कर दिया है, कोई चीज़ रख कर, प्याला वगैरह रख कर थोड़ा ऊंचा करके, और उसको 10-15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रख के छोड़ दिया है। देखिए मेरा 10-15 मिनट हो गया, देखिए कितना अच्छा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ। तोड़ के दिखा दे रही हूँ, कितना सॉफ्ट है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना अच्छा होगा। देखिए फिर से मैं दिखा रही हूँ इसको, बहुत सॉफ्ट बना है। शुक्रिया मेरे चैनल को देखने के लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का आपके लिए।